brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. I'm superhuman. ये तस्वीरें जैसे ही कैमरे में कैद हुई वैसे ही सोशल मीडिया पर चर्चाएं इस तस्वीर को लेकर तेज हो गई। तस्वीरों में नजर आ रहे हैं भारत के नए नौसेना प्रमुख दिनेश कुमार त्रिपाठी। दिनेश कुमार त्रिपाठी ने आज सुबह गार्ड ऑफ ऑनर लेने के साथ ही नौसेना प्रमुख का पदभार ग्रहण कर लिया और आज के बाद अरब की खाड़ी से लेकर बंगाल की खाड़ी तक दिनेश कुमार त्रिपाठी भारतीय नौसेना की सभी फैसले लेंगे। भारत की समुद्री सीमा की सुरक्षा का दायित्व अब दिनेश कुमार त्रिपाठी के कंधों पर है। दिनेश कुमार त्रिपाठी इससे पहले उप नौसेना प्रमुख थे और अब वो नौसेना प्रमुख के तौर पर पूरी दुनिया में भारतीय नौसेना का गर्व से सर ऊंचा करने वाले हैं। दिनेश त्रिपाठी ने पूर्व नौसेना प्रमुख आर हरि कुमार की जगह ली है। दिनेश कुमार त्रिपाठी का जन्म 15 मई 1964 को हुआ था। उन्हें 1 जुलाई 1985 को भारतीय नौसेना की कार्यकारी शाखा में नियुक्त किया गया था। वो संचार और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध विशेषज्ञ हैं। ऐसे में तब जब चीन अपने संचार और इलेक्ट्रॉनिक को लेकर एक पूरी सेना तैयार कर रहा है, ऐसे में भारतीय नौसेना प्रमुख की ये सबसे महत्वपूर्ण योग्यता निश्चित ही भारतीय नौसेना के काफी काम आने वाली है। लगभग 39 साल की लंबी और विशिष्ट सेवा के बाद अब वो नौसेना प्रमुख के तौर पर भारतीय नौसेना के लिए जरूरी फैसले लेने में अपना योगदान देंगे। यहाँ अहम बात यह है कि दिनेश कुमार त्रिपाठी ने नौसेना उप प्रमुख के रूप में कार्यभार संभालने से पहले पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में कार्य किया था। यानी पश्चिमी कमांड में अच्छी खासी महारत दिनेश कुमार त्रिपाठी को प्राप्त है। वाइस एडमिरल डी के त्रिपाठी ने भारतीय नौसेना के पोतों विनाश, कीर्च और त्रिशूल की कमान भी संभाली है। इसके अलावा उन्होंने विभिन्न महत्वपूर्ण परिचालन और स्टाफ नियुक्तियों पर भी कार्य किया है। इनमें पश्चिमी बेड़े के परिचालन अधिकारी, नौसेना परिचालन के निदेशक, नेटवर्क केंद्र परिचालन के प्रधान निदेशक और नई दिल्ली में नौसेना योजना के प्रधान निदेशक के पद शामिल हैं। नौसेना प्रमुख डी के त्रिपाठी ने भारतीय नौसेना के पोतों विनाश, कीर्च और त्रिशूल की कमान संभाली है। इसके अलावा उन्होंने विभिन्न महत्वपूर्ण परिचालन और स्टाफ नियुक्तियों पर भी कार्य किया है। इनमें पश्चिमी बेड़े के परिचालन अधिकारी, नौसेना परिचालन के निदेशक, नेटवर्क केंद्रीय परिचालनों के प्रधान निदेशक और नई दिल्ली में नौसेना योजना के प्रधान निदेशक के पद शामिल हैं। लेकिन अब जिम्मेदारी बड़ी है। जिम्मेदारी पूरी नौसेना की है, वो भी तब जब वैश्विक स्तर पर नौसेना की भूमिका ज्यादा बढ़ रही है, जब समुद्री सुरक्षा को लेकर चिंताएं विश्व भर में देशों की बढ़ रही है। ऐसे वक्त पर नौसेना प्रमुख डी के त्रिपाठी को अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का प्रदर्शन करना होगा और ऐसे में नौसेना प्रमुख डी के त्रिपाठी के ऊपर जिम्मेदारी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। और जब जिम्मेदारी बड़ी हो तो माँ के आशीर्वाद के बिना आगे बढ़ना मुश्किल ही नहीं असंभव है। लिहाजा डी के त्रिपाठी ने अपनी माँ का आशीर्वाद ले लिया है और नए पदभार के लिए अपनी जिम्मेदारियों का आह्वान कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।